सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल इंट्राडे गाइड को, बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए। स्वागत है आपका इंट्राडे गाइड पे, मैं हूं आपका दोस्त शिवांश भसीन। तो आज हम बात करेंगे कि निफ्टी का जो लेवल है वो कहां तक जा सकता है, क्या वो अपने टॉप को क्रॉस करेगा, अगर टॉप को क्रॉस करेगा तो वो कौन से लेवल तक जाएगा कि वहां से हमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले शॉर्ट करने के लिए। तो गाइज आप ये देख रहे होंगे कि मार्केट बहुत अच्छे से जा रही है, ऊपर सब लोग अपनी पोजीशंस बना रहे होंगे जिस तरीके से हमने देखा था। इसलिए हमने प्रीवियस टॉप को क्रॉस करा था, ये लेवल जो आ रहा है जो मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था, यहाँ से आपको बाय करना है। तो आपने देखा होगा अगर आपने 10,900 से बाय करके रखा होगा उसे, तो आप यहाँ तक के लेवल्स एक्सपेक्ट कर सकते थे जो मैंने ट्रेंड लाइन पे आपके लिए ड्रॉ करा था। जो ये क्रॉस ओवर आ रहा था जो कि आ रहा था 11,095 और आज उसने अपना हाई बनाया है 11,085 का। तो गाइज ये जो आपको ट्रेंड लाइन शो करती है ये लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन से बनती हुई आती है, तो ये हमें एक एग्जैक्ट फिगर बता देती है कि निफ्टी या पर्टिकुलर शेयर कहां तक जा सकता है। तो ये ट्रेंड लाइन हमें सबसे पहले बनानी चाहिए जब भी हम किसी चार्ट को ऑब्जर्व कर रहे हो। सबसे पहले आप जितनी ट्रेंड लाइन मल्टीपल ट्रेंड लाइन बना सकते हैं, जितने सपोर्ट रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं वो सारे फाइंड करिए और उसके बाद अपने इंडिकेटर्स को लगा के उसके हिसाब से अपना ऑब्जर्वेशन करिए। तो गाइज हमने देखा था कि ये क्रॉसओवर 11,095 आ रहा था और हमारा 11,085 का हाई आया था। तो गाइज इसको इसने आज क्रॉस नहीं करा पर यहां तक तो चला गया। अब हमें क्या बताना है कि ऐसा ट्रेंड लाइन बनाने के बाद मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा। ट्रेंड लाइन जब आप बना लेते हैं तो आप जब इस चार्ट को देख रहे हैं तो इस चार्ट में आपको दिख क्या रहा है, कोई पैटर्न बनाते हुए आपको दिख रहा है? अगर आपको कोई पैटर्न मिल रहा है तो वो आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है उसे अपने चार्ट्स में लगाने के लिए और अपने कॉल्स को प्रोवाइड कराने के लिए। तो गाइज मैं यहाँ पर फिबोनाची लगा रहा हूँ और उससे मैं आपको एक चीज दिखाऊंगा जो मैंने आपको अपनी पिछली वीडियोस में भी बता रखी है। अगर आपने मेरी एक वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें था कि सन फार्मा ने बनाया बटरफ्लाई पैटर्न, तो गाइज आपने अगर वो वीडियो देखी होगी तो आप समझ जाएंगे कि क्या मैं बटरफ्लाई पैटर्न के बारे में कह रहा हूँ। आप देख सकते हैं इस लेवल के पास आप आइए, ये आप देख सकते हैं यहां से हम स्टार्ट करेंगे। इसने एक डाउनफॉल दिखाई, फिर एक अपमूव दिखाई, इसने टॉप को क्रॉस नहीं करा, फिर एक डाउनफॉल दिखाई, इसने अपने बॉटम को क्रॉस नहीं करा और एक अपमूव आ गई और अपने टॉप को क्रॉस कर दिया। तो गाइज ये जो फॉर्म कर रहा है ये फॉर्म कर रहा है बटरफ्लाई पैटर्न। अब बटरफ्लाई पैटर्न का टारगेट कहां तक जा सकता है वो मैं आज आपको इसमें बताऊंगा। अभी हम कंफर्म नहीं है कि ये बटरफ्लाई पैटर्न बना है क्योंकि अपने वो उस लेवल तक पहुंचा नहीं है, पर गाइज जिस तरीके से ये अपने टॉप को क्रॉस करा है और अपने हिसाब से ये बढ़ रहा है तो हमें लग सकता है कि ये एक बटरफ्लाई पैटर्न बना सकता है। और दूसरा अगर हम रीजन ढूंढे कि ये क्यों बना सकता है, आप यहाँ नीचे आ रहा है सही देख सकते हैं 66.89 में है और जब मैंने आपको कहा था ये 10,900 पे से बाय करिए तब ये 64 के लेवल पे था। तो गाइज इसने जो 100 रुपए या 150 रुपए की मूव दी है वो सिर्फ 2 पॉइंट के RSI में दिया, और अगर हम बात करें 70 के लेवल तक, क्योंकि मैं अगर आपको RSI जूम करके दिखाऊंगा तो ये 70 या 71 के लेवल से हमेशा नीचे गिर जाता है। तो गाइज अगर हम बात करें कि निफ्टी और ऊपर जाएगा तो 71 तक वही लेवल बनेगा जो बटरफ्लाई पैटर्न है फिबोनाची रिट्रेसमेंट में बन रहा है जो मैं आपको शो करने वाला हूँ। तो गाइज ये देख सकते हैं ये एक टॉप है, इस टॉप से मैंने एक फिबोनाची ड्रॉ करा और ये इस बॉटम तक ले गया। तो गाइज बॉटम तक लेकर जाने के बाद आप देख सकते हैं कि जो मैंने यहाँ पर क्रॉसओवर बनाया था वो बिल्कुल 138.2 रिट्रेसमेंट लेवल बनते हुए आ रहा है जो कि हमारा क्रॉसओवर था ट्रेंड लाइन का। तो आप देख सकते हैं दो तरीके से हमें यहाँ पर एक सब रेजिस्टेंस मिल रहा है कि ये एक रेजिस्टेंस है जो एक निफ्टी फेस कर सकता है। तो गाइज वही हुआ और वहीं तक ये निफ्टी गया था। आज अगर इस लेवल को क्रॉस करेगा तो वही लेवल जो हमारा बन के आएगा वो हमारा बन के आएगा 52 वीक हाई जो कि था 11,174.75 का। तो गाइज अब हम लोग ये डिसाइड करना चाहते हैं कि ये बटरफ्लाई पैटर्न जब बनेगा तो वो कौन से लेवल पे बनेगा। जब गाइज ये जो आप देख रहे हैं मूवमेंट आ रही है इतनी अच्छी खासी, ये जैसी 168.18% के रिट्रेसमेंट पे आएगी, यानी कि जब ये अपना लेवल को टेस्ट करेगी 11,250 के, तो गाइज वहां पर हमारा बटरफ्लाई पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा इसका। और अगर मैं आपको शो करूं बटरफ्लाई पैटर्न कैसे बनाए तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। इसमें जो लोग मेरी ये वीडियो उस बटरफ्लाई वीडियो नहीं देखी होगी उन्होंने मेरी, ये है गाइज ये है।
आप देख सकते हैं इसको ज्वाइन करिए और इसको ज्वाइन करिए। जब ये ऊपर जाएगा तो आपको एक बटरफ्लाई पैटर्न दिखेगा। आप ये मत सोचेगा ये कैसा बटरफ्लाई है जो बना ही नहीं है, पर चार्ट्स में इस तरीके के ही बटरफ्लाई पैटर्न बनते हैं जो हमें देखने होंगे गाइस। तो गाइस इसके बाद ये जो इसका लेवल है ये आएगा क्रॉस करेगा। अब आप देख सकते हैं कि ये मूवमेंट हर दिन 100 100 पॉइंट की नहीं देगा, कभी डिप भी देगा, डिप में हमारे लिए बाय करने की अपॉर्चुनिटी होगी। तो गाइस इस तरीके से हमें वर्क करते हुए चलना पड़ेगा निफ्टी के अंदर और हम अच्छे खासे टारगेट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको कहा था कि 11,000 के ऊपर जाएगा और मुझे बहुत से लोगों ने पूछा था कि नहीं सर ये 11,000 के ऊपर नहीं जाएगा, वहां से हम एक शॉर्टफॉल गिरावट आते हुए देख लेंगे। तो गाइज हमने आपको जो कहा था बिल्कुल वही शो करा, क्योंकि ट्रेंड लाइंस और जो ये कॉम्बिनेशन हम यूज करते हैं उसके बेसिस में जो हमें टारगेट या स्टॉप लॉस बताया जाता है वो बिल्कुल परफेक्ट बताया जाता है या उसके आसपास ही आता है। तो गाइज इसी तरीके से हम आपको सारी चीजें बताते हैं। अगर आप देखिए इसने अपने टॉप को क्रॉस करेगा तो टॉप को क्रॉस करने के बाद जितने भी एनालिस्ट हैं, जितने भी स्टॉक मार्केट में टेक्निकल के बारे में थोड़ा सा भी जानते हैं, वो सबसे पहले ये डिसीजन लेंगे कि ये टॉप क्रॉस करने के बाद हमें अपनी बाइंग पोजीशन बनानी है, क्योंकि उसने अपने 52 वीक हाई को क्रॉस करा तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है बाय करने के लिए। तो गाइस ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है बाय करने के लिए, पर कहाँ तक है बाय करने के लिए अपॉर्चुनिटी वो हम इस बटरफ्लाई पैटर्न से ऑब्जर्व करेंगे, क्योंकि बहुत से एनालिस्ट है जिनको नहीं पता कि बटरफ्लाई पैटर्न का बनता कैसे है। अगर आपको पता होता तो हम कह सकते थे कि ये 11,250 के लेवल तक जाएगा और वहां से हमें शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी बनानी है फॉर अ टारगेट ऑफ 10,000 लेवल्स। तो गाइस मैं आपको श्योरिटी देता हूँ कि दिसंबर तक हम 10,000 के आसपास आराम से पहुंच जाएंगे और जो निफ्टी है वो 10,000 के आसपास आराम से पहुंच जाएगा, क्योंकि देख सकते हैं कि गवर्नमेंट के इलेक्शंस आने वाले हैं। उससे पहले हमने जब 10,000 का लेवल टेस्ट करा था, 9,950 का लेवल हमने जब टेस्ट करा था, वहां से हमें एक बहुत ज्यादा प्रेशर देखने के मिला था। और आप ये नहीं कह सकते कुछ पर्टिकुलर स्टॉक्स HDFC बैंक्स, HDFC, ITC, ट्विंस और ये सारे जो पर्टिकुलर रिलायंस, ये सारे स्टॉक्स एक दो स्टॉक्स हैवी वेट स्टॉक्स मार्केट को ऊपर लेकर गए गाइस। इन्हीं स्टॉक्स में ज्यादातर ट्रेडिंग हुई और यही स्टॉक्स मार्केट को ऊपर लेकर गए, क्योंकि अगर वहां से वो गिर जाता और इलेक्शन इस टाइम आ जाता तो गाइज हमारी मार्केट के लिए और जो बीजेपी के लिए है वो एक नेगेटिव बन जाता कि मार्केट इतनी नीचे गिर चुकी है। क्योंकि अगर वो 9,950 के लेवल को तोड़ देता तो हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे मार्केट वहां से कितना गिर सकता था। तो इसलिए कुछ पर्टिकुलर स्टॉक्स को, हैवी वेट स्टॉक्स को मार्केट में चलाया कि हम इस लेवल तक पहुंच पाए हैं। और अभी भी आप देख सकते हैं कि इन्हीं स्टॉक्स को चलाया जा रहा है इस लेवल तक पहुंचने में, क्योंकि वहां पर जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं वहां पर 9,950 10,000 में उन लोगों ने अपनी पोजीशंस बना के रख ली थी बाय साइड में। और ये लेवल आएगा जहां से वो लोग बेचना शुरू करेंगे और हम एक स्ट्रेट डाउनफॉल आते हुए देखेंगे, जहां से हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स ने यहां पर बाय करा होगा क्योंकि हमें यहाँ पर ब्रेकआउट दिख रहा होगा, पर यहां से शॉर्टफॉल आएगी और हम लोग जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स फंस जाएंगे। तो गाइस ये हमें सेंटिमेंट्स को मार्केट के समझना पड़ेगा, इसलिए मैं आपके साथ बना हुआ हूँ, इसलिए मैं आपके साथ सारी की सारी चीजें शेयर कर रहा हूँ। तो आप ध्यान से इस शेयर वीडियो को देखेगा, अपने रिलेटिव फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करेगा, क्योंकि वो समझ पाए अगर उन लोगों ने शेयर मार्केट में पैसे लगाया है तो वो इस टाइम्स अपॉर्चुनिटी से अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं। क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर्स भी एक बिग इन्वेस्टर या म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर की तरह सोच सकता है और उनकी तरह काम कर सकता है। तो गाइज वही ट्रेनिंग, वही चीजें मैं आपके साथ शेयर करूंगा और हम मिलकर एक बढ़िया इन्वेस्टर बनकर दिखाएंगे। तो गाइज यहीं पर ही मैंने आपके लिए वीडियो एंड कर देता हूँ। जो हमारा टारगेट बनते हुए आ रहा था वो हमारा अचीव हो चुका है। अगर इस लेवल के ऊपर जाता है और सस्टेन करता है गाइस, जो कि 11,100 का लेवल है, तो हम कह सकते हैं जो हमारा टारगेट है वो हमारा 52 वीक हाई को आराम से क्रॉस करेगा और 11,250 तक आराम से बढ़ जाएगा। तो गाइस हम देख सकते हैं कि कल मार्केट में थोड़ी डिप आ सकती है, जिस तरीके से बहुत तेजी से बढ़ा है तो वो डिप आएगी तो हमारे लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। और अगर डिप नहीं आती है और अगर आप देख सकते हैं कि मार्केट 15 मिनट तक ऊपर ही सस्टेन करती है, नीचे नहीं आती है जो उसने ओपन करा था जिस लेवल से, तो वहां पर भी आप अपनी बाइंग अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं। और अगर आप बाइंग अपॉर्चुनिटी बनाएंगे तो आप अच्छे खासे लेवल्स के साथ प्रॉफिट लेकर घर जाएंगे, ये मैं आपके साथ वादा कर रहा हूँ। क्योंकि मुझे जो ट्रेंड लाइन्स में शो कर रहा है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, कोई मैं अपने मन से अज्यूम करके आपके साथ शेयर नहीं कर रहा था गाइस। तो गाइस इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करता हूँ। वीडियो पसंद आई होगी तो एक लाइक जरूर मार दीजिएगा मेरे वीडियो में, और वीडियो के नीचे ही आपको सब्सक्राइब का बटन दिखेगा तो उस वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, कि इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं आपके साथ हर दिन ला कर रहा हूँ। और गाइस मेरे आप वीडियोस में जाके मेरे चैनल के अंदर अगर आप जाएंगे तो वहां पर आपको दिख जाएगा कि कैसे बटरफ्लाई पैटर्न बनता है, वो मैंने पूरे अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन करके रखा हुआ है, तो वो आप जरूर जाके देख सकते हैं, वहां पर भी आपको शो कर जाएगा। तो गाइस इसी के साथ मैं वीडियो को खत्म करता हूँ, मिलता हूँ आपसे कल नई इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ।